हेलो दोस्तों, आप लोग का आज हिंदी का एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग का हो चुका होगा और अब आ चुका है आंसर की, तो आंसर की जल्दी से मिला लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास प्रश्न कोड जो है वो H नंबर है। आपके पास जो भी कोड होगा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाना है, उसके बाद मिला लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर देख सकते हो 2022 में हिंदी का मातृभाषा वाला जो हिंदी लिए हैं उसके लिए पूरा आंसर की है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मिलाने के लिए। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ISE एग्ज़ाम के लिए हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो वो आपको बहुत ही फायदा करने वाला है। आप देख सकते हो हमारे चैनल पर भी जा करके लगभग 1600 वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो आपको बहुत ही फायदा रहने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद, ओके। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन स्वर है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर होगा, ठीक है। आ दीर्घई और दीर्घऊ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर दो है, फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो फ का उच्चारण स्थान ओठ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद तीन नंबर क्वेश्चन है, तीन नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे स्वार्थ स्वार्थ का संधि विच्छेद, तो स्व जोर अर्थ प्लस यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चार है, क्वेश्चन नंबर चार में बोल रहा है कि कौन शुद्ध शुद्ध शब्द कौन है, तो स्वयंवर यहाँ पर शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पाँच नंबर, सिपाही विद्रोह कौन शब्द कौन संज्ञा है, तो जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पिंजरा शब्द क्या है, तो तत्सम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सात है यहाँ पर, तो तनय का स्त्रीलिंग तनया होगा, ठीक है। पुत्री वगैरह होती है इसका मतलब पुत्री, तो यहाँ पर तनया इसका करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आठ है, अकाल शब्द कौन लिंग है, तो अकाल शब्द जो है वो पुल्लिंग है, अकाल पड़ गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नौ है, को के लिए यहाँ पर संप्रदान कारक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दस है, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण होगा, तो सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है आमने सामने होना, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, समान उदर से जन्म लेने वाले के लिए हम कहेंगे सहोदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वीर शब्द का विलोम क्या होता है, तो कायर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, किसने कहा था, तो यहाँ पर मगम्मा ने कही थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़कों को लेकर कौन अकेली रहती है, तो लक्ष्मी अकेली रहती थी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, माँ को कितने पुत्रियाँ थी, तो तीन पुत्रियाँ थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, और एक पुत्र जो हम तेतपिटा कहते हैं वही थी था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था, तो कैलाश ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, भरी भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा, तो सीता ने, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है, तो मध्य प्रदेश MP में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों, हम पूरे 100 में से 100 क्वेश्चन का आंसर की बताने वाले हैं, तो चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लेना है आपको, ठीक है। बहुत फायदा होने वाला है आपको सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल को, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी बता देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में है, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया है, तो 18 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है, तो मैक्स मूलर को, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 24 है, हकर्स क्या थे? तो हकर्स एक खगोल वैज्ञानिक थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 में आलोक पर्व शीर्षक निबंध शीर्ष संग्रह किसकी रचना है? तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न के लेखक से किसने किया था? तो छोटी लड़की ने, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, सहजात वृत्ति किसका नाम है? तो भूली स्मृतियों का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो देवनंदागिरी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 नंबर में बोल रहा है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो धारा नगरी के, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 30 नंबर है, बहादुर कितने वर्ष का था? तो यहाँ पर 12 वर्ष, 12-13 वर्ष के, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, नानकाना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, कवि रस खान किसके परम भक्त थे? तो कृष्ण के, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कवि रस खान किस छंद में सिद्धहस्त थे? तो सवैया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं की हो तो अभी भी सब्सक्राइब कर लेना है। आईएससी के एग्जाम में आपको लॉन्ग आंसर बताएंगे, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम बताते हैं, तो आप हमारे चैनल पर अभी भी जाकर देख सकते हो। बहुत सारा इस बार जो है हमारे वीडियो से लड़ा हुआ है, आप लोग भी अपना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखे होंगे, तो उससे लगभग हर एक सब्जेक्ट में ही आपका क्वेश्चन आंसर लड़ा होगा। ठीक है, तो अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते आते हैं तो आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद लॉन्ग आंसर की जो लिखने में आपको सहूलियत होता है, परेशानी नहीं होने वाली है। तो आप हमारे चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें और आईएससी एग्ज़ाम के लिए अभी से ही उसका वीडियो देखते चलें। ठीक है, 11, 12 हो या 10 हो, सारे का लॉन्ग आंसर की हम लेकर आते हैं और उस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी रहता है। ठीक है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों को भी बता देना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 34 नंबर की, दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन की, उससे पहले हम 100 में से 100 क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं, तो आप कहीं भी नहीं जाना है इस वीडियो को छोड़कर, अभी पूरा देखना है आपको। 34 नंबर में बात कर रहे हैं, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रेम वाटिका से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो अनामिका, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लज्जात, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यह पंक्ति किस कविता से है? ठीक है, तो ये जो पंक्ति देख रहे हो ये पंक्ति स्वदेशी, ऑप्शन नंबर ए से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद 38 है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इथला रही है? तो देश की जनता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो ओज और राष्ट्रीय चेतना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद थे। ठीक है, सरहपाद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, पंपाती कहाँ लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा है? तो माँ ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 नंबर क्वेश्चन में दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो मगम्मा की बहू का नजम्मा नाम है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया है, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो गुजराती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 में माँ जी किसे गौशालाओं को उपमा देती है थी? तो अस्पताल को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन महीना
माँ जी कई आशा भरा महीना था, तो कार्तिक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों अभी तक तो हमने 50 क्वेश्चन का आंसर की देख लिए हैं और आगे 50 वीडियो 50 क्वेश्चन का आंसर की भी देखने वाले हैं। तो अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि IAC की एग्ज़ाम के लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर उसको हम लेकर के आते रहते हैं, हमारे चैनल पर अपलोड होते रहती है, तो आप उसके लिए अभी से ही तैयार कर रहे हैं, ठीक है, अपना एग्जाम के पोर्शन वाले क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 51 की। तो यहाँ पर सामाजिक विकास क्रम में सामंतीय सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील का, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, पूंजीवादी सभ्यता को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, तो सापेक्ष, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, तो तोल्स्टाय, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है, तो कथक, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे, तो लखनऊ, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे, 9.5 साल के, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, आवनियों क्या है, तो आवनियों एक ईसाई मठ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है, तो पेड़ पर कमरा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उस क्वेश्चन नंबर 59 है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था, मकान के नीचे, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिस्मिल्ला खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ उपकार शब्द कौन लिंग है, तो पुल्लिंग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, लेखिका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। बहुदूत किस विशेषण का उदाहरण है, तो गुणवाचक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, सॉरी, बहुत दूध बोल रहा है ना, तो बहुत दूध जो है परिणाम परिमाण बोधक है, कितना दूध है तो परिमाण इसमें बता रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 64 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, वह आया था किस काल का उदाहरण है, तो यहाँ पर भूतकाल का, ठीक है, पहले आया था तो ऑप्शन नंबर था लगा हुआ भी, तो भूतकाल का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो चार भेद हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद 67 नंबर है, वियोग शब्द में उपसर्ग तो बी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, हंसोड़ शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें ओड़ प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, तो दोस्तों अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें धन्यवाद, कमेंट में आप लिख सकते हैं, जो ऐसी भी कमेंट लिखना है लिख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 है, हम कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, चौराहा कौन समास है, तो दीर्घ समास है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, 73 में दिया हुआ है कुछ लोग कौन विशेषण है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, झाड़ू शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर उ प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है, तो पारिवारिक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है,
सज्जन शब्द कौन समास है? तो सज्जन शब्द जो है वह कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं, जिसमें रेखांकित शब्द क्या है? तो पदबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं किस वाक का उदाहरण है? तो सरल वाक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो यहाँ पर हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, तो दोस्तों अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना है आपको, एक बार जाकर दोस्तों में शेयर जरूर कर लेना है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 में शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो इन दिनों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन 83 है, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो अनामिका की, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 में बोल रहा है कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वनलता सेन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, वनलता सेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, रेनन मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो भक्ति की, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जनता के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता के कितने संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? तो लगभग 30 करोड़, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र थे, कौन सा पदबंध है? तो क्रिया नहीं संज्ञा पदबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, 92 का ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, 93 में बोल रहा है समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? तो यहाँ पर समूह यानी संघ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, रक्षक शब्द का विलोम तो भक्षक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, याचना करने वाले के लिए हम याचक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बुरी तरह से पीटना मारना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, दिनानुदिन कौन समास है? तो दिनानुदिन क्वेश्चन नंबर इसमें 97 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कर्मधारय, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद पम जोड़ चम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि लास्ट है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हजारों वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। 12th के एग्जाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम देते हैं, ठीक है, जो कि VVI आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप डेली 2 वीडियो 3 वीडियो जितना भी अपलोड होते जाएगा वो आप देखते जाएगा, और बस वीडियो मात्र 2 मिनट 3 मिनट का होता है, तो आप किस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो वो आप वीडियो को देखने के बाद सीख जाएंगे और अपने आप क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी से ही हमारे वीडियो को लगातार देखते रहना है, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आंसर बता देते हैं, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो महत्व जो है वो शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज़ प्लीज़, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आप लोगों से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, इससे आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के संस्कृत के एग्जाम वाले आंसर की में, उसके जब तक के लिए बाय, और संस्कृत के लिए लास्ट एग्जाम के लिए आपको शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक।